नमस्कार, वेब दुनिया के इस खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रीति और हमारे साथ मौजूद हैं मीडिया और साहित्य के क्षेत्र में एक बड़ा नाम वर्तिका नंदा जी, जिन्होंने पत्रकारिता से हटकर जेल और कैदियों के लिए विशेष कार्य किए हैं। आज हम उनसे इसी बारे में बातचीत करेंगे। वर्तिका जी, स्वागत है हमारे स्टूडियो में। आप धन्यवाद। सामान्यतः क्राइम पत्रकारिता में भी जेल वहां की गतिविधियों पर काम पूर्ति के लिए प्रकाश डाला जाता है, लेकिन आप लगातार जेल व कैदियों से जुड़ी गतिविधियों पर काम कर रही हैं। आखिर ये ख्याल कैसे आया कि इस क्षेत्र में कुछ करना है? असल में कैदी इसी समाज का हिस्सा है, लेकिन हम मानते हैं कि क्योंकि कोई जेल के अंदर चला गया तो वो दुनिया दूसरी हो गई। ये भूल जाते हैं हम अक्सर कि जो जेल के अंदर है वो फिर लौटेगा और इसी समाज का एक हिस्सा बनेगा। और क्योंकि बहुत सालों तक क्राइम रिपोर्टिंग मेरे काम का एक हिस्सा था और अलग अलग विधाओं को, क्राइम के अलग अलग पक्षों को मुझे बहुत करीब से देखने का मौका मिला। जब मैं एक टीवी चैनल के साथ क्राइम बीट की हेड थी, तो मैंने अपराध की उन पक्षों को देखा जिनके बारे में अक्सर बोला भी नहीं जाता। फिर पीएचडी करते हुए मैंने रेप के विक्टिम्स को बहुत करीब से देखा और साथ ही अपराधियों को भी, उनसे मिलने से, उनसे बात करने पर अपराध के दूसरे पक्ष को मैंने देखा। और फिर मुझे ये लगा कि अपराध है समाज में, हम इसे डिनाई नहीं कर सकते, हम अपनी आंखें बंद नहीं कर सकते। और अपराध को करने के बाद लोग कहाँ जाते हैं, वो जेल का हिस्सा बनते हैं। कोई भी इंसान जेल के बारे में कभी सोचना नहीं चाहता, कभी सपना नहीं देखना चाहता, सुबह की शुरुआत नहीं करना चाहता, ये मैं जानती हूँ। लेकिन मैं ये जानना चाहती थी कि लोग कैदियों के बारे में सोचते क्या हैं और कैदी बाहर की दुनिया के बारे में फिर क्या सोचते हैं, कैदी का समय कैसे गुजरता है, कैदी की उम्मीदें क्या हैं, कैदी के सपने क्या हैं, और कैदी क्या कभी जो अपराध करके वाकई जेल के अंदर आए हैं वो अपने उस गलती के लिए कभी भी क्षमा के भाव को रखते हैं या नहीं रखते हैं। ऐसे बहुत सारे सवाल मेरे दिमाग में थे, इसलिए इस तिनका तिनका सीरीज को मैंने शुरू किया। तिनका तिनका भारत की पहली ऐसी श्रृंखला है जो अलग अलग जेलों के लिए काम करेगी, और इसीलिए इसकी शुरुआत भले तिहार से हुई जो कि दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी जेल है, लेकिन इसकी यात्रा जारी है और अभी बहुत सी जेलों पर काम होना बाकी। डासना जेल में कैदियों के लिए आपने काफी रचनात्मक कार्य किया है, आपकी हालिया किताब भी आई है तिनका तिनका डासना, इसके बारे में कुछ बताएं। तिनका तिनका डासना अभी तक की अपनी तरह की पहली किताब है, क्योंकि इसने जेल की जिंदगी को खोलने का प्रयास किया है। जेल पर जो किताबें लिखी गई हैं या तो एक बंदी के पर्सपेक्टिव से लिखी गई हैं या फिर किसी ने अपनी कल्पना के आधार पर लिखा है। ये किताब रिपोर्टर के तौर पर जो मैंने जेल को देखा और समझा, एक तो उसका विवरण है, दूसरा ये कि कैदी अपने जीवन में बदलाव कैसे लाना चाहते हैं। इस किताब का इस एक हिस्से में वो 5 कैदी हैं जो आजीवन कारावास में हैं, और मैंने उनसे ये जानने की कोशिश की है कि अगर जब भी वो जेल से बाहर आते हैं तो वो अपने जीवन को कैसे बदलेंगे। और एक हिस्सा है जेल के हर उस हिस्से के बारे में जो जेल का सच है, चाहे जेल का रसोई घर है, चाहे जेल में सोने की जगह है, पैरक है, खेलने की जगह है, उन तमाम हिस्सों के बारे में कि जेल असल में हकीकत में क्या है। और इसके अलावा इस जेल के अंदर हमने एक दीवार बनाई थी जिसका नाम भी तिनका तिनका डासना है। ये भी देश की अपनी तरह की पहली दीवार है, 3D पेंटिंग पर है, और एक बड़ी सी दीवार है जिसे 4 कैदियों के साथ बनवाया गया था इसे, और इसमें रोशनी है, इसमें बहुत सी उम्मीद है। और 4 कैदियों का चयन भी बड़े मुश्किल से हुआ था, और फिर जब ये हो गया तो कई महीने तक इस पर काम हुआ, और फिर उसको एक किताब का हिस्सा बनाया गया, उसी पर एक कैलेंडर बनाया गया, उसी दीवार के सामने हमने जेल का थीम सॉन्ग बनाया। इस जेल में इस गाने को हर रोज गाया जाता है और इसे 13 बंदियों ने गाया था, वे तमाम बंदी आजीवन कारावास के हैं, उनमें कुछ महिलाएं भी हैं। इस गाने को मैंने लिखा था लेकिन लयबद्ध होने किया, और इसलिए ये अपने आप में एक बड़ा प्रोजेक्ट था जिस पर करीब 2 साल काम चला। इस कार्य में कैदियों को आपने कैसे शामिल किया, उनका क्या रोल रहा इसमें? जब मैं किताब पर काम कर रही थी तभी मुझे लग रहा था कि जैसे तिहाड़ जेल के लिए मैंने गाना लिखा था, मैं डासना जेल के लिए भी एक गाना लिखूं, तो उसी दौर में मैंने गाना लिखा था। तो एक तरफ दीवार बन रही थी, दूसरी तरफ मैं कैदियों का चयन कर रही थी, और जब चयन हुआ तो फिर हमने ये तय किया कि ये लोग उस गाने को गाएंगे तो इसी दीवार के सामने गाएंगे। तो ये कैदी हर रोज इंतजार करने लगे, उस दीवार के पास रोज आते थे और वो उन 4 कैदियों से रोज पूछते थे कब ये दीवार बनेगी, हमारा गाना होगा या नहीं होगा। तो उनकी जिंदगी में एक रोशनी सी आ गई थी, वो मैं खुद महसूस कर रही थी। और जब ये दीवार बन गई फिर हमने उसके सामने एक मंच बनाया, बहुत से फूल लाए गए, उस पूरे मैदान को सजाया गया, अलग अलग जिलों से कैदियों को बुलाया गया,
तो कुछ कैदी जो परफॉर्म कर रहे थे वो मंच पर थे, बाकी कैदी सामने बैठे थे, जेल के सारे अधिकारी थे। और हमने एक बड़े मामूली कैमरा से उसे शूट किया, क्योंकि ये कहीं से कमर्शियल प्रोजेक्ट था नहीं, तो कोई भी ऐसा तैयार भी नहीं होता जो जेल के अंदर कैमरा लेके जाता बिना पैसे के। और मैं किसी से कोई भी तरह का संसाधन मांगना नहीं चाहती थी, इसलिए हमने अपने संसाधनों से जो भी हम कर सकते थे, एक बहुत ही मामूली टेक्निक के साथ हमने उसे किया। लेकिन वो कोशिश क्योंकि शुद्ध मन से की गई थी तो बहुत लोगों को पसंद आई। और फिर उत्तर प्रदेश के जेल मंत्री खुद आए उस जेल में, जबकि गाना हमने एडिट कर लिया और हमने प्रॉपर सीडी की तरह उसे रिलीज किया। तो ये अपने आप में मेरे लिए भी बड़ा रोचक सा अनुभव था। तिनका की सीरीज में तिनका तिनका तिहाड़ पर आपने काम किया है, उसके बारे में कुछ बताएं। तिहाड़ के बारे में बहुत सारे लोगों की बहुत सी कल्पनाएं हैं, और उसे एक मॉडल जेल के तौर पर, एक आश्रम के तौर पर देखा जाता है। और क्योंकि दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी जेल है तो लोगों का की एक उत्सुकता हमेशा इस जेल को बनी रहती है। तो इस जेल की में जो सबसे बड़ा जो पहला काम था वो ये था कि मैं इस जेल की महिलाओं को सामने लाना चाहती थी, मैं वो चाहती थी कि वो लिखें। तो उस पर चला कई महीनों तक काम, और धीरे 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 कुछ महिलाएं हमने आइडेंटिफाई की, वो कविताएं लिखने लगीं। फिर मैंने और विमला मेहरा जो उस समय डीजी प्रिजंस थी, हमने मिलकर उस किताब को एडिट किया, उसे छापा, फिर वो कई भाषाओं में ट्रांसलेट भी हुई। और वो एक बड़ी लंबी प्रक्रिया रही। उस किताब की वजह से एक बंदी की शादी हो गई जिसे वो करना चाहती थी, और इस किताब को जो उस समय के गृह मंत्री थे उन्होंने उसे रिलीज़ किया, और बहुत बड़े कार्यक्रम में उसे रिलीज़ किया जिसमें पूरी दुनिया के जेलों के बड़े अधिकारी आए थे, और इसे भारत सरकार ने पहली बार होस्ट किया था। उसके बाद जो गाना लिखा था मैंने, उसे हमने जेल के अंदर शूट किया, और पहली बार ऐसा हुआ कि तिहाड़ जेल के पुरुष कैदी और महिला कैदी एक साथ वो परफॉर्म किए। हमारे मेकअप आर्टिस्ट भी ये कैदी थी, उसी ने सबको मेकअप किया। और फिर वो गाना बना और उसे लोकसभा स्पीकर ने रिलीज़ किया। तो वो एक दूसरा हिस्सा था जिसमें कि वे तमाम लोग जो लेखक नहीं थे लेकिन वो गा सकते थे, परफॉर्म कर सकते थे, वो उसका हिस्सा बने। फिर जेल के बाहर एक दीवार बनाई जो देश की सबसे लंबी म्यूरल पेंटिंग है, और अभी भी यूट्यूब पर वो दीवार दिखाई देती है, वो गाना दिखाई देता है जिसमें बंदी गा रहे हैं, तिनका तिनका तिहाड़ लिखने से वो तमाम बंदी दिखाई देते हैं। और बहुत लोगों को लगता है कि बंदी है ही नहीं, दिखते ही नहीं बंदी, कहीं से नहीं दिखते। और मुझे भी कई बार हैरानी होती है जब लोग कहते हैं वो बंदी नहीं दिख रहे, क्योंकि हम ये मानते हैं कि जो बंदी दिखेगा या दिखना चाहिए उसकी एक खास छवि होनी चाहिए। हम चाहते हैं बंदी बहुत दुखी ही दिखे, बंदी बहुत परेशानी दिखे, बंदी खुश दिखे, ये हम कल्पना नहीं करना चाहते। लेकिन ऐसा हुआ और वो बहुत ही एक सुखी भाव के साथ उन्होंने परफॉर्म किया। इसी तरह जब दीवार भी बनी, मुझे खुशी होती है जब बहुत से लोग तिहाड़ जेल से गुजरते हैं और उस दीवार के सामने खड़े होकर अपनी सेल्फी खिंचवाते हैं, उस दीवार को बड़े ध्यान से देखते हैं, उस दीवार में जो गाना लिखा, जो पंक्तियाँ लिखी हैं वो मेरी किताब का हिस्सा हैं। और मैं समझती हूँ कि 15 साल तक वो दीवार वैसी ही रहेगी। तो ऐसे कई सारे प्रयोग हमने तिहाड़ जेल के अंदर किए। आप एक पत्रकार थी, आपने उस पक्ष को जानना चाहा कि आखिर कैदियों का जीवन कैसा है, वहाँ किस तरह की गतिविधियाँ होती हैं। लेकिन एक आम इंसान होता है जो डरता है जेल के आसपास से गुजरने में भी, लोगों को एक पहले से एक व्यू होता है कि जेल मतलब कैदियों का घर, मतलब वहाँ का माहौल अच्छा नहीं होगा, लोग डरते हैं। आपने पर्सनली क्या जाना जेल की जिंदगी, वहाँ का माहौल किस तरह का होता है, वो कैसी जिंदगी जीते हैं, किस तरीके के विचार रखते हैं कैदी जो होते हैं? जेलें सभी तरफ हैं और खतरनाक लोग भी सब तरफ हैं। अगर हमें लगता है जेल के अंदर खतरनाक लोग हैं, या जेल के अंदर अगर हमें लगता है कि बुरे लोग हैं, तो बुरे लोग बाहर भी हैं। बहुत से लोग अपराध करके छूट गए हैं, या बहुत से लोग अपराध करके भी कानून की दृष्टि में नहीं आए हैं, वो बाहर घूम रहे हैं और हम उनसे रोज मिलते हैं, तब हमें डर नहीं लगता। हमें डर उनसे लगता है जो सलाखों के पार चले गए, क्योंकि हमें लगता है कि अब वो घोषित अपराधी है। मेरा मानना ये है जब हम अघोषित अपराधियों से नहीं डरते तो फिर घोषित अपराधी से डरने का कोई मायने मुझे नहीं समझ में आते। दूसरी बात यह कि मुझे ऐसा लगता है कि हम सबकी कुछ सामाजिक जिम्मेदारी है। पत्रकारिता के साथ जो एक बड़ी दिक्कत मैंने देखी, और अभी भी मैं एक शिक्षा में भी मैं ये देख रही हूँ कि हम बोलना तो चाहते हैं पर हम करना नहीं चाहते। हम लिखना चाहते हैं लेकिन हम उसे हकीकत में बदलना नहीं चाहते, क्योंकि हम सोचते हैं हमारे पास समय नहीं है। तो मैं वही करना चाहती थी, फिर मैंने इसीलिए कभी किसी से कहा नहीं, मैंने कभी भी किसी से नहीं कहा कि आप एक दिन का काफी हिस्सा बनिए, क्योंकि मैं जानती हूँ कि समाज बहुत आसानी से बनना नहीं चाहेगा, और मैं भी थोड़ी सी खुदगर्जी मुझ में भी है, तो मैं भी मदद लेना नहीं चाहती। मैं वही करना चाहती हूँ जो मैं कर सकती हूँ, और इसीलिए मैं करती हूँ। मुझे लगता है ये समाज के लिए कुछ यज्ञ होते हैं, और ये यज्ञ करने का मौका हर एक को नहीं मिलता। तो अगर मुझे ये मिला है और अगर ईश्वर ये चाहता है कि मैं ऐसा करूँ, तो मैं करूँ, और इसीलिए मैं कर दे रही हूँ।
आगे भी बेशक इस क्षेत्र में आपके कार्य जारी रहेंगे, आगे की क्या योजनाएं हैं इस सीरीज में काम करने का, इस क्षेत्र में किस तरह के काम आगे किए जा सकते हैं? अभी बहुत सारे काम चल रहे हैं एक साथ, जैसे तिनका इंडिया अवार्ड्स मैंने शुरू किए, तिनका बंदी अवार्ड्स, वो तमाम बंदी जो जेल के अंदर हैं और जेल के अधिकारी मानते हैं कि उन्होंने कुछ सकारात्मक काम किए हैं तो उन्हें मैं हर साल सम्मानित करती हूँ। और ये मुझे अच्छा लगा कि जब मैंने इन अवार्ड्स को शुरू किया, बंदिनी अवार्ड्स को, तो मेनका गांधी जी ने खुद उन्हें रिलीज़ किया। और उसमें कुछ ऐसी महिलाएं भी हैं जो कि फांसी की सज़ा पर हैं, कुछ ऐसी महिलाएं जो आजीवन कारावास पर हैं, लेकिन वो जेल की जिंदगी में सहयोग कर रही हैं। इसी तरह इंडिया अवार्ड्स में भी मैं स्त्री और पुरुष दोनों बंदियों को मैं हर साल चुनती हूँ, जो कविता, कहानी, रंग, किसी के भी जरिए कुछ सृजन कर रहे हैं। इसके अलावा भी तो तिनका ने अभी तो यात्रा भी शुरू की है, कुछ साल ही हुए ऐसे करते हुए। अभी एक बहुत बड़ी सीरीज पर मैं काम कर रही हूँ, जो शायद दुनिया की अपनी तरह की पहली सीरीज होगी और वो शायद पूरे देश की जेलों में जोड़ देगी। आम लोग तो आपसे प्रेरणा लेते ही हैं, पत्रकारिता के तौर पर भी जो भावी पत्रकार हैं उनके लिए भी आप एक प्रेरणा है। अपने पत्रकारिता जीवन के बारे में कुछ बताइए कि इसकी शुरुआत आखिर कैसे हुई, क्या बचपन से कोई सपना था या अनायास एक ख्याल दिल में आया और आप पत्रकारिता के क्षेत्र में गए उसकी पढ़ाई की, उस सफर के बारे में मैं जानना चाहूँगी। मैं कुछ करना चाहती थी और मैं मुझे कलम की दुनिया बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करती थी और मैं लिखती थी, तो इसलिए लिखते लिखते के इस दौर में ही मैं पत्रकारिता में आ गई। और ये वैसे ही है जैसे पत्रकार होने के बाद आपकी पत्रकारिता नहीं जाती, और ये अपने अंदर के कर्म की बात है। जैसे मुझे बहुत से लोगों ने, जब मैं टेलीविज़न की नौकरी को छोड़ रही थी, तो मुझे बहुत लोगों ने कहा कि इसके बाद जीवन बड़ा अजीब सा हो जाएगा, क्योंकि पत्रकारिता बहुत नाम देता है, बहुत ग्लैमर देता है, और फिर उसके बिना पहचान कैसे होगी। मैं समझती हूँ कि अगर आपका काम अच्छा हो तो पहचान किसी भी काम में होती है, और पहचान से ज़्यादा बड़ी बात है संतुष्टि। तो उसी संतुष्टि को ढूंढते हुए मैं पत्रकार बनी, और मैं कुछ करना चाहती थी समाज के लिए। उस समय भी मैं शायद थोड़ा बहुत कुछ कर पाई, और अब दूसरी भूमिका में जब मैं हूँ तो शायद ज़्यादा कर पा रही हूँ, ऐसा मुझे लगता है। आपने क्राइम रिपोर्टिंग भी की है, एक हार्ड क्षेत्र माना जाता है, इसके साथ ही काव्य और साहित्य के क्षेत्र में भी उतना ही अच्छा काम किया है, काफ़ी पुरस्कार भी आपने लिए हैं। ये दोनों अलग अलग विधाएं हैं, कैसे संभव हो पाया इनके बीच में संतुलन बिठाकर आगे बढ़ना, काम करना? मैंने दोनों को जोड़ दिया, मैंने दोनों को कभी अलग नहीं होने दिया। जेल के अभी जो मैं काम करती हूँ अपराध का विशुद्ध तौर पर काम है, इतने सालों में मैंने जो भी किया वो जेल का ही, वो अपराध का ही एक हिस्सा रहा। मैंने सिर्फ इतना किया कि उसे कविता से, उसे कहानी से, उसे साहित्य से, उसे सृजन से जोड़ दिया, और उसमें से मैंने नकारात्मक चीज़ें निकाल दी। मैं जब किसी बंदी से मिलती हूँ तो मैं उसे जिसे आप पार्ट को जर्नलिज्म कहती हैं वैसे सवाल भी नहीं पूछती। मैं बहुत बार बंदियों से भी कहती हूँ कि अगर वो लिखना चाहें या वो कुछ बताना चाहें तो अपनी पहचान को छुपा सकते हैं। मुझे कोई भी बंदी ये कह देता है कि आप इस बात को किसी से नहीं कहिएगा, तो मैं उस मूलभूत मंत्र को मानकर रखती हूँ कि जो प्राइवेसी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो जर्नलिज्म के जो बेसिक कोर वैल्यूज़ हैं, जिसकी बात एज अ स्टूडेंट हम पढ़ते थे, जर्नलिज्म करते हुए समझते थे, उसको मैं हमेशा इंटैक्ट रखती हूँ। जैसे कि जब मैं डासना वाली जेल पर काम कर रही थी, तो नूपुर तलवार, जिन पर आदुषी तलवार की हत्या का आरोप है, तो मैंने उनसे कहा था कि वो अंग्रेजी की किताब को ट्रांसलेट करें। उन्हें बड़ी इच्छक थी, उनका मानना था कि मैं कर भी दूँ लोग क्या सोचेंगे। और जब किताब आ रही थी, मैंने उन्हें कहा कि मैं उनका नाम किताब के मुख्य कवर पर छापूंगी, दूंगी, तो उन्हें और भी हैरानी हुई और बहुत लोगों को हैरानी हुई। और बहुत लोगों ने मुझे कहा, टोका भी, कि आप एक जिन्होंने जिन पर हत्या का आरोप है आप उनका नाम दे ली। पर मुझे, मैं ऐसी बंदिशों में काम नहीं करती। मेरा ऐसा मानना है कि अगर मैं जेल पर काम कर रही हूँ तो मुझे कोई हिचक नहीं है किसी वर्ग के अपराधी का नाम या जिसे अपराधी घोषित किया गया है उसका नाम देने के लिए, अगर वो चाहता है तो, अगर उसे आपत्ति नहीं है तो। और दूसरी बात जो मैं कह रही हूँ वो ये कि कई बार बंदी चाहते हैं कि उन्होंने अपने जीवन की कोई कहानी अगर कही है, वो कहानी कहीं और किसी और संदर्भ में ना जाए। तो ये सारी चीज़ें एक बहुत इंटीग्रिटी की मांग करती हैं कि अगर हमने किसी को भी वादा दे दिया, चाहे वो बंदी हो या ना हो, हम उस वादे को निभाएं। और यही वजह है कि तिनका तिनका एक बड़ा आकार ले पाए। भावी पत्रकारों, महिला पत्रकारों और इस क्षेत्र में अपना करियर बनाने वाले लोगों के लिए आपका कोई संदेश देना चाहें? संदेश एक्चुअली नेता देते हैं तो हम तो क्या संदेश देंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि चाहे महिला हो या पुरुष हो, हम सबकी अपनी जिम्मेदारियां हैं, बस जिम्मेदारी याद रखनी चाहिए। जैसे कि आज ही सुबह मैंने सोचा कि मैं जेलों के लिए
एक बुक बैंक शुरू करूंगी, आज से हमने शुरू कर दिया। और एक छोटी सी चीज कोई भी कर सकता है, कोई भी, हम जहाँ रहते हैं उसके आसपास के 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर के दायरे में कुछ कर सकते हैं। और इसमें महिला या पुरुष होने से ज्यादा जरूरी बात है, हम कितने जागृत हैं, हमारे में कितनी ताकत है, हमारे में कितनी ऊर्जा है और हम कितने सच्चे हैं। तो मेरा मानना यह है कि जर्नलिज्म कोई भी हो, हम किसी भी कोने में करें और किसी भी बीट पर करें, और भले हम सॉफ्ट रिपोर्टिंग में हो, हार्ड कोर जर्नलिज्म कर रहे हो, हम डेस्क पर हो या फिर हम फील्ड में हो, हम हो कहीं भी, लेकिन अगर हम अपने काम को वाकई बहुत मन के साथ करें, मन योग के साथ करें और हम बेसिक वैल्यूज को मानकर करें, तो उससे बढ़िया जर्नलिज्म और कुछ नहीं हो सकता। और मुझे लगता है अगर वही कर लें तो हम बहुत बड़ी भूमिका निभा देंगे। वर्तिका जी, बेहद शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। बेशक हमारे भावी पत्रकार, महिला पत्रकारों और समाज को भी इससे कुछ संदेश मिला होगा और मार्गदर्शन मिला होगा।